हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ. वी विल बी डूइंग प्रीवियस लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. जल्दी से आ जाओ, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाय गाइस, गेस हु आई एम. आई कैसे हो? सब बढ़िया? जिंदगी में सब बढ़िया? कुशल मंगल. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बताओ कैसे हो बच्चों? जीवन में क्या चल रहा है? जीवन में हमें लगता है अगस्त सितंबर का महीने में एग्जाम होना चाहिए, बट एग्जाम ही नहीं चल रहा. यस, सब बढ़िया है, सब बढ़िया भैया, दुनिया में सब बढ़िया है. बच्चों क्या लगता है तुम्हें, सबसे बढ़िया महीना कौन सा होता है? सबसे बढ़िया महीना होता है सबसे बढ़िया महीना होता है दिवाली वाला और जनवरी वाला. क्या कहते हैं बच्चों, क्या हम सही हैं? हाँ, जब दिवाली होती है ना, फिर थोड़े दिन बाद क्रिसमस आ जाती है, फिर न्यू ईयर आ जाती है, छुट्टियों वाला माहौल, ये बढ़िया होता है. सितंबर में मजा, सितंबर में एग्जाम होते हैं ना बच्चों के, तो हमें छुट्टी मिलती थी. सितंबर में बच्चों के एग्जाम होते थे तो हमें छुट्टी मिलती थी. बट हमारे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड वाले अंकल आंटी हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी तबाह कर दिया है. बच्चों के ना तो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, ना तो हमारी छुट्टी हो रही है. मतलब हम लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं. बताओ, समर हॉलीडेज, बेटा समर हॉलीडेज कहाँ हॉलीडेज रही? समर हॉलीडेज में बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं. हमने देखा है कि समर हॉलीडेज में बच्चों बहुत पढ़ाते हैं. तो कोई बात नहीं गाइस, हम हैं कार्यशील बच्चे, कर्मवीर बच्चे. हम अपने कर्म पे भरोसा करेंगे और हमारा कर्म है, आज का कर्म अभी का कर्म है, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन करना लास्ट मिनट रिवीजन में. क्या कहते हैं बच्चों? यस, तो कर्मवीर टीचर के कर्मवीर बच्चे, तो हम आज करेंगे अमेजिंग क्वेश्चंस. गाइस देखो, होता क्या है, हर चैप्टर में से आप देखोगे इतने रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, मैं क्या ही बताऊं. मतलब बीटी कॉटन तो बीटी कॉटन का पूछ रहे हैं, इंसुलिन तो इंसुलिन का पूछ रहे हैं, गोल्डन राइस उस पर इतने सवाल आ रखे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस उस पर इतने सवाल. मतलब हर साल बस ये चार पांच टॉपिक हैं, इन्हीं में से सवाल आए थे. ठीक है, इन चार पांच में से सवाल आए थे, तो उसको हम देखेंगे आज बहुत ही बढ़िया तरीके से. गाइस वेदांतु का एक नीट प्रिपरेशन कैंप चल रहा है, नीट एंड जेई कैंप चल रहा है, जो कि 19th, 20th, 21 and 22 में चलेगा. ठीक है, 19th, 20th, 21 and 22. एंड गाइज मेक श्योर यू अटेम्प्ट दिस कैंप. क्यों, इसमें क्या होने वाला है बेटा, देखो यू कैन अर्न अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन वेदांतु कोर्सेज. वेदांतु के जितने भी कोर्सेज हैं उस पर आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है. मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको वोट के कैंपेन के टाइम पे 90% यू नो स्कॉलरशिप मिली थी. 100% मेरे को बच्चा मिला नहीं, पर 90% एक स्टूडेंट को हमारे मिली थी. ठीक है, उस स्टूडेंट ने हमारा यूट्यूब क्लास बंद कर दिया, तब से उन्होंने हमारा यूट्यूब क्लास देखना छोड़ दिया और वो चले गए वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऑब्वियसली वेदांतु प्लेटफॉर्म इज मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, मतलब हमारा यूट्यूब भी अच्छा है, बट वेदांतु प्रो इज वन लेवल अप. ठीक है, तो ऐसा है. एंड यस, यू कैन विन अमेजॉन गिफ्ट प्राइजेस, यू कैन विन. बट वो बच्चा मेरे कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर अभी आई एम प्रिपेयरिंग ओवर देयर, है ना, आपकी वीडियोज बीच बीच में देखते हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला मुझे. ठीक है, कोई हंसने की, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है. हमने उनको पहले पढ़ा दिया था. ठीक है, 11वीं 12वीं का उन्होंने क्विकली पढ़ लिया हमारे से पिछले साल की वीडियोस देख के, और फिर वो आगे गए हैं. ठीक है, जो बच्चे हंस रहे हैं कृपया अपनी हंसी रोक लें. ठीक है चलो, तो आगे चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं. एंड यस गाइस, यू हैव लाइक दे स्टूडेंट्स हैव वन, यू नो, 1+1 के फोन्स जीते हैं उन्होंने, हार्ड डिस्क जीती हैं, एंड दे वन लॉट ऑफ प्राइजेस ओवर देयर. ठीक है बेटा, जस्ट द फ्री लाइव क्लासेस, 4-day लाइव क्लासेस होगी, यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डायग्नोसिस भी मिलेगा. डायग्नोसिस क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताता है क्या बीमारी है जिंदगी में तुम्हारे, क्या बीमारी है. उसी तरह आप वेदांतु का ये टेस्ट दोगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है. आपको फिजिक्स की बीमारी है, आपको केमिस्ट्री की बीमारी है, आपको बायोलॉजी की बीमारी है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट. मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि विच पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट इज वीक. ठीक है,
चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. हाउ यू कैन रजिस्टर? यू कैन रजिस्टर फ्रॉम हियर vedantu.com/target-jee-neet. इस पे जाओ या तो हमारे वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो. ठीक है. एंड गाइज प्लीज मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मतलब जो भी फ्री के कैंप्स वगैरह होते हैं दे आर वेल क्यूरेटेड. बच्चों को लगता है फ्री में क्या ही देंगे, बेटा फ्री में बहुत कुछ देते हैं क्योंकि वी जस्ट वॉन्ट यू टू यूज आवर यू नो प्लेटफॉर्म. आप देखोगे, यूज करोगे आपको समझ आएगा कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है. समझ रहे हो? यस. इफ यू कैन सी, तीन जेई के टेस्ट है, तीन नीट के टेस्ट है. नीट 2021 वाले बच्चों के लिए, नीट 2022 वाले बच्चों के लिए, नीट 2023 वाले बच्चों के लिए. सेम जेई के लिए भी यही है. ठीक है. यस. एंड आज का मेंटी ये रहा. और हमारे अभिषेक सर का, तुम लोग डांस देखना चाहते हो? नहीं भी चाहते हो तब भी हम दिखाएंगे. और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ? सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें. ये क्या पढ़ाई हुई? ये क्या करना बेटा था ट्यूशन? You're not using your full potential. नंबर लोगे तब तो पढ़ाई होगी. आगे बढ़ो पर कैसे करें ये सब सोचते हैं. पढ़ता ही रहता था मैं आँख अपनी खोल के और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के. नकली की किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना असलियत को मोड़ के. आजा मिलके मचाते हैं, आजा सबको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं. आजा मिलके मचाते हैं. समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं बरतना भी है. पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है. विल डू बेटर अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं. सिर्फ बेटर नहीं अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं. आजा मिलके मचाते हैं, आजा सबको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं. आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं. आज हम मिलके मचाते हैं, सबको दिखाते हैं, सबको नचाते हैं. बच्चों आ जाओ जल्दी से मिलके मचाते हैं. कम टू menti.com www.menti.com एंड पुट द कोड 9661578 3. लेट्स रॉक. बच्चों आ जाओ, सब 2020 वाला सवाल करेंगे. जल्दी से आ जाओ, अपने नाम वाम लिख लो, फिर से मैं तुम्हें सवाल दिखा दूंगा. कम ऑन, कम ऑन गाइस, गो टू www.minti.com. हेलो बेटा, हेलो बेटा, नमस्कार करो सूर्य, नमस्कार करो सूर्य, नमस्कार करो बेटा सूर्य, नमस्कार करो. कम ऑन गाइस, कोई पढ़ के आया है कि ऐसे आ गए हो? कोई बच्चा पढ़ के, पढ़ लिख के आया है? यस, पढ़ लिख के आया है कोई बच्चा? नमस्कार बच्चे, नमस्कार बेटा. ये वाला जो सेशन है ना, 2021 में जो एग्जाम दे रहा है, 2022 में जो एग्जाम दे रहा है, 2023 में जो एग्जाम दे रहा है, सबको हेल्प करेगा. ठीक है, चलो. कौशल सावंत पढ़ के आए, वेरी गुड बेटा. कौशल, तुम्हारे नाम में ही कौशल है तभी तुम कौशल हो. वेरी गुड. तो बेटा पहला सवाल ये रहा. ओ, मैच द फॉलोइंग. बैसिलस थुरिंजिनेसिस, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड सैल्मोनेला टाइफी न्यूरियम एट डी. ठीक है, कॉलम टू में है. क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज और क्राई प्रोटीन. देखो हमने बड़ा कर दिया है, इसको चूज करना है आपको. ठीक है, वेरी गुड. कम ऑन गाइस,
देखो अगर अगर बच्चों 50% से कम हुआ तो जिंदगी तबाह करने वाला सवाल कहेंगे हम उसको, अगर 50-70% बच्चों ने जवाब दिया है तो उसको हम ओपी क्वेश्चन कहेंगे, ओपी मतलब ओवर पावर क्वेश्चन, और 70%+ बच्चों ने जवाब दिया है तो इट विल बी कॉल्ड एज हलवा क्वेश्चन। ओ माय गॉड, जस्ट ऑन द बॉर्डर 52% लोगों ने सही जवाब दिया है तो इट इज अ ओपी क्वेश्चन। बेटा लेट अस अंडरस्टैंड दिस, देखो ध्यान, अरे ध्यान से देखिए सवाल को बेटा। बीटी क्या है? बैसिलस थुरिंजियंसिस। इसके अंदर क्राई प्रोटीन बनाने का जीन होता है, ठीक है, क्राई जीन होता है जो कि जैसे ही कॉटन बॉल वर्म के पेट में जाता है उसको मार डालता है बेचारा, खतरनाक है ये बहुत। थर्मस एक्वाटिकस क्या है बेटा? ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एकदम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। तो इससे हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकाला है जिंदगी में ताकि हम डीएनए की कॉपीज बना सकें। डीएनए की कॉपीज जो बनती है वो हाई टेम्परेचर पे बनती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई एंजाइम चाहिए था जो कि हाई टेम्परेचर पे फंक्शनल रहे। तो थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कि एकदम गरम गरम टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता था, तो हमने उसमें से एंजाइम निकाल लिया, ठीक है। अब ये दो तीन ही कर लो बेटा फिर पूरा हो जाएगा तुम्हारा। देखो बैसिलस थुरिंजियंसिस ए का फोर, ए का फोर, देखो बस आपको ए ही देखना और खत्म। बट हम क्रॉस चेक दोबारा करेंगे, बी का डीएनए पॉलीमरेज यस, दो हो गया तो फिर तो ठीक है, और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझे बच्चों? बच्चों समझे? एंड गाइस देखो इस पूरे चैप्टर का मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको पढ़ लेना एक बार जाके, ठीक है। तो वेरी गुड। ओह ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है दोबारा देख लो ये सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो फिर हम इसको करेंगे। Come on guys, ready? चलो here is the question number 2, match the following करना है आपको। अरे यार ये तो बहुत ही easy है, come on guys, come on guys, try, very good, easy question guys, and yes, oh my god, oh it's a halwa question, huh? great, परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। देखो बहुत ही आसान है, देखो बीटी बैसिलस थुरिंजियंसिस ये हो गया, देखो इसी में ही सॉल्व हो गया, बट स्टिल अभी हम देख लेते हैं। एडेनोसिन डीएमिनेज क्या होता है बेटा? ये एक डिसीज होती है, इसको ट्रीट करने के लिए हम जीन थेरेपी करते हैं, ठीक है। एडेनोसिन जीन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होती है जिसको ट्रीट करने हम जीन थेरेपी करते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। देन आरएनए इंटरफेरेंस इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं अपनी एडवांटेज के लिए। नाउ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, एचआईवी पेशेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आंसर इज ऑब्वियसली, वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी। या ठीक है, वेरी गुड बच्चों, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, एकदम बढ़िया बच्चे। तनिष्का भसीन, ग्रेट बेटा, जशन, मनन, बेस्ट कॉलेज फॉर बीएससी जूलॉजी हॉनर्स इज इन। बेटा देखो बीएससी जूलॉजी हॉनर्स कोई भी डीयू से कर लो, अच्छे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा स्पेसिफिक है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू नो नॉर्थ कैंपस में कोई अच्छा सा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज, आई एम नॉट श्योर कि वो यू नो, तो कोई भी यूज कर सकते बेटा। डॉक्टर मेघा, अनु कौशल, उज्मा, हाई फाई बेटा, स्वाति, मोगली सेट्टी, हाई बेटा, एंड माइथिली, ग्रेट जॉब। नेक्स्ट वन, अगेन क्वेश्चन गाइज, चेक आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाय,
In man, insulin is synthesized as proinsulin. The proinsulin has an extra peptide called C-peptide. कर लिया भैया, क्या तुम तैयार हो? स्टडी, ये रहा सवाल. कम ऑन गाइस, नीट 2020 के सवाल हैं सारे. देखो मतलब गाइस आप देख रहे हो बहुत ही इजी सवाल आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द बुक. एंड यू कैन यूज एलिमिनेशन टेक्निक ऑल्सो, एज हमने देखा. आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो, जैसा आपने अभी मैच द फॉलोइंग में देखा, है ना. अरे टाइमर कहां चला गया भैया? ठीक है, यस बेटा बिभू. अरे यार बच्चों, ओपी क्वेश्चन, बट इट वॉज हलवा क्वेश्चन, बट ठीक है, ओपी क्वेश्चन एग्जैक्टली बेटा. 59% बच्चों ने सही जवाब दिया है. द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड बाय व्हाट बॉन्ड्स, बताओ जल्दी चैट बॉक्स में. दे आर लिंक्ड बाय व्हाट बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, कौन से बॉन्ड होते हैं? वेरी गुड, एग्जैक्टली गाइज, इट इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना बेटा. जो इंसुलिन होती है ना बेटा, देखो इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, उसमें ए चेन, बी चेन और सी चेन होती है, ठीक है. अब इस इंसुलिन को फंक्शनल बनाने में हमें क्या करना होता है? सी चेन को हटाना होता है, समझ रहे हो. मान लो तीन दोस्त हैं, ए बी सी, ठीक है, ये तीनों मिलके इंसुलिन बनाते हैं जैसा जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. बट अब ये नॉन फंक्शनल है, जैसे ही मैं इनमें से तीसरे दोस्त को हटा देता हूं और ए और बी चेन बनते हैं, तो अब ये फंक्शनल हो जाता है इंसुलिन, समझे. तो वो होता है. और ये जो ए और बी है कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से? ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, दो सल्फर वाले बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों. जीवन में आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल हम करेंगे, ये रहा. सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, 2019 में आया था. बायो कंट्रोल एजेंट्स, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, टोबैको मोसैक वायरस, एफिड, ट्राइकोडर्मा बैक्यूलो वायरस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, नॉस्टॉक, एजोस्पाइरिलम, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बताओ क्या है इसका जीवन में उत्तर? कृपया इसका उत्तर दीजिए. यार काश मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, क्या है मतलब, रोज मेंटी कराता हूँ, क्या कहते हो बच्चों? तुम्हें लगता है सोनी वाले मेरे को हायर करेंगे? एग्जैक्टली. अरे यार बच्चों, जिंदगी तबाह करने वाला सवाल हो गया है तो. यस बच्चों, व्हाट इज दिस यार, ये किसने करा? एक बात बताओ, टोबैको मोसैक वायरस ये तो डिसीज करता है ना. टोबैको मोसैक वायरस क्या है? ये तो डिसीज कॉजिंग एजेंट है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट कैसे हुआ बताओ? बताओ बच्चों, इसको देख लो बेटा, ऐसे इजी सवाल है तो, ठीक है. तो टोबैको मोसैक वायरस तो नहीं होगा, तो ये नहीं है, ठीक है. ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट है. अब आप देखो, आपको क्या करना था, आपको एलिमिनेशन करना था, तो पहला वाला एलिमिनेट हो गया. इसमें देखो राइजोबियम, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसको भी हटा दो. अगेन नॉस्टॉक, ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो इसको हटा देना चाहिए था. तो ऑब्वियसली बचा क्या हमारा? ट्राइकोड, ऑप्शन बी, समझे. तो जिंदगी तबाह, रोम रोम जी बेटा, रोम रोम हो गई है सारे बच्चों की, है ना. चलो बच्चों क्या करते हो यार. तनिष्का भसीन, सॉरी मनन, तनिष्का, जशन, बेस्ट कॉलेज, डॉक्टर मेघा, स्वाति, मैथिली, उज्मा, हाईफाई बेटा, खुशी एंड अनु, ग्रेट जॉब बेटा. कोई बात नहीं बेटा, देखो इफ यू आर मेकिंग समथिंग रॉन्ग, देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है उसको नोट कर लो, उस टॉपिक के बारे में दोबारा पढ़ो, समझ रहे हो. अभी जैसे बायो कंट्रोल एजेंट पे क्वेश्चन गलत हुआ आपका, तो उसको नोट कर लो, बायो कंट्रोल एजेंट दोबारा पढ़ना है. तो इससे क्या होता है, देखो आपके दिमाग में बत्ती जली कि आपको बायो कंट्रोल एजेंट नहीं आता था, अब आप जाके उसको पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप ज्यादा याद करोगे. जब आप कोई चीज गलत करते हो और फिर उसके बाद उसको पढ़ते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है, समझ रहे हो. कभी कोई जिंदगी में थप्पड़ पड़ा होगा, वो कभी भूला नहीं होगा, समझे बच्चों. मतलब कभी इफ यू मेक अर समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू स्टडी इट बैक, दैट स्टेज फॉर लॉन्गर,
तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई गलत करता है, ठीक है बेटा, तो गलती करते हो तो अच्छी बात है, बट उसको पढ़ लिया करो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अरे यार, जीवन में हमारा 1 बजे लैपटॉप बंद होता है बेटा, तो हमारा लैटपॉट अभी मरने की कागार पे है। आगे चलते हैं। यस, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? सुनहरी राइस का क्या है सही? 2019 में सवाल आया था, विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, अच्छा। इट इज पेस्ट रेसिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस। इट इज अ ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ सीड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Come on everyone. एग्जैक्टली गाइस, वाओ, वाह, क्या सीन है भैया, बच्चों के तो 80। एग्जैक्टली गाइस, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। ये तो हलवा सवाल हो गया पहली बार, वेरी गुड बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट, जो बच्चे नए आए हैं लाइक कर दो हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज? इनमें से किसको हम ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज के लिए यूज कर सकते हैं? बेटा इट इज फॉर 12th क्लास मेनली। एग्जैक्टली गाइस, वेरी गुड। इनके बारे में तो अभी सुना ही नहीं, अभी तो हमने एक ट्राइकोडर्मा पे क्वेश्चन करा था, तो आई गेस इस बेसिस पे ये कर सकते थे। वेरी गुड बेटा, अमेजिंग। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंगाई है, ठीक है बेटा, विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग द प्लांट डिसीज। वेरी गुड, बच्चों ने हलवा सवाल कर दिया है हमारे सवाल को। मनन श्रीमाली, तनिष्का, जशन, बेस्ट कॉलेज, डॉक्टर मेघा, स्वाति, मैथिली, कौशल, सुनिधि, मेवरिक, ग्रेट जॉब बेटा। नेक्स्ट वन, सेवेंथ सवाल का उत्तर दीजिए विद्यार्थियों। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज, नीट 2018 में आया था बेटा। इसके बारे में पता है आपको, 3 बार सवाल पूछ चुके हैं और बहुत ही ईजी था, मैंने डिलीट कर दिया आगे के, बट फिर भी आप कर लो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, रिसर्च कमिटी ऑफ ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, कौन है वो? वेरी गुड, 72 बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा। एग्जैक्टली, GEAC क्या करता है? ये अप्रूव करता है कि हाँ, कि तुम BT कॉटन इंडिया में यूज कर सकते हो। BT ब्रिंजॉल इज नॉट अलाउड। BT कॉटन आप यूज कर सकते हो, BT ब्रिंजॉल आप यूज नहीं कर सकते। क्यों, कोई बताना चाहेगा? यस बच्चों, कोई बताना चाहेगा क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि BT ब्रिंजाल को आप खाते हो, ठीक है, पता चला आपने ब्रिंजाल के DNA में कोई चेंज करा और आपने वो वाला ब्रिंजाल खा लिया। ब्रिंजाल मतलब होता है बैंगन, ठीक है, जिनको पता नहीं होता, ठीक है, और आपकी पूंछ निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब आपका DNA में चेंज हो गया। हाँ, कॉटन आप खाते नहीं हो तो कॉटन तो आप पहनने के चक्कर, तो फिर ओके बाहर बाहर रहता है, बट आपने बैंगन का DNA चेंज करा और आपने खा लिया
और वो चेंज डीएनए आपके अंदर जाके आपके डीएनए को चेंज कर दिया और आपके समझ जेनेटिक डिफिकल्टी होगी, तो दैट इज व्हाई बीटी ब्रिंजल इज नॉट अप्रूव्ड। ये अप्रूव कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रूव करती है। ग्रेट, नेक्स्ट वन, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायो पायरेसी, बायो डिग्रेडेशन और बायो एक्सप्लॉयटेशन। बताओ बच्चों, अरे ये क्या हो गया? एग्जैक्टली गाइज, इट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी। ये भी हलवा सवाल हो गया। बायो पायरेसी मतलब क्या होता है बेटा? जब एमएनसी आके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है गुजरात में कुछ फार्मर्स थे, ठीक है, पोटैटो उगाते थे, उनपे लेज वालों ने कर दिया, क्या कहते हैं, केस ठोक दिया कि ये पोटैटो हमारे पेटेंट है, तुम हमारे पोटैटो उगा रहे हो। ठीक है, मतलब तो फार्मर बोले ये आलू हमारे हैं, हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हम उगा रहे हैं। वो बोले ये आलू हमारे हैं, समझ रहे हो? तो उन्होंने पेटेंट कर लिया, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी। यस, ठीक है बेटा। इन्फ्रिंजमेंट बेटा आपकी टेरिटरी में आना, ऐसे ही एक वर्ड है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब जस्ट कमिंग इनटू योर टेरिटरी, इन्फ्रिंज करना किसी की प्राइवेसी को, तो वो सब इन्फ्रिंजमेंट इज जस्ट अ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेरी गुड बेटा मनाली शर्मा, तनिष्का, जशन, बेस्ट कॉलेज, मेघा, स्वाति, मैथिली, कौशल, सुनिधि, खुशी, ग्रेट जॉब। हम आपके समक्ष नवा सवाल प्रस्तुत करते हैं। द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, अरे यार देख रहे हो, सेम सवाल घुमा फिरा के ये लोग यही पूछते हैं। इसका उत्तर हमने पहले ही दे दिया था बेटा, इसको प्लीज गलत मत करना। मैं बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही ज्यादा सवाल रिपीट होते हैं, इतने सारे रिपीट हो रहे थे, वो तो मैंने बहुत सारे डिलीट करे, उसके बाद ये बचा है, समझ रहे हो? एग्जैक्टली गाइस, डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो ज्वाइंट होता है, इंसुलिन का ए और बी आर ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। यस बेटा, एक्चुअली द थिंग इज कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, तो वो उसी से ही बनाते हैं। वेरी गुड बेटा मनन, तनिष्का, जशन, डॉक्टर मेघा, स्वाति, बेस्ट कॉलेज, कौशल, सुनिधि, खुशी, उज्मा, हाई फाइव बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया? बताओ, मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया क्या करता है? उसके रूट को खा लेता है ना, हम इसमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं। अभी देखना आरएनए इंटरफेरेंस के कितने सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो गाइज ऑल द टॉपिक्स इट इज वेरी इजी, अब बस बुक को पढ़ लो, एनसीईआरटी को, और क्वेश्चन कर लो कुछ, आप यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कर लेना बेटा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डी एन ए इन टू प्लांट्स इन्वॉल्व exposing plants to cold for a brief period, allowing the plant roots to stand in water, infection of the plant by agrobacterium tumefaciens, or altering the pH of the soil, then heat choking the plant. Come on guys. Very good, exactly guys. Agrobacterium tumefaciens is used for transferring the gene of interest into the plants. Very good, perfect. Halwa sawal ho gaya ye again if I'm not wrong. Great job. 12th question guys. In BT cotton, the BT toxin present in the plant tissue is a protoxin, is converted into active toxin due to action of the gut of the microorganism, presence of conversion factors in the insect gut, alkaline pH of the insect gut or acidic pH of the insect gut. बहुत ही अच्छा सवाल है इसको। अरे
एग्जैक्टली एग्जैक्टली गाइस, जब बीटी का हम जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, जो प्लांट होता है कॉटन प्लांट होता है वो एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और वो जैसे ही कॉटन बॉलवर्म वो कॉटन वाले प्लांट को खाता है वो प्रोटीन उसके स्टमक में चले जाता है और वहां पे एल्कलाइन पीएच की वजह से वो घुल जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस कॉटन बॉलवर्म को मार देता है। कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट को कॉटन बॉलवर्म खा जाता है, तो उसमें हम कॉटन प्लांट में हमने डीएनए डाल दिया है ना, क्राइजीन डाल दिया। अब ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि इस इंसेक्ट के पेट में जाके एल्कलाइन मीडियम में वो क्या बन जाता है, मतलब यू नो एल्कलाइन पीएच में वो एक्टिवेट हो जाता है और बेचारे कॉटन बॉलवर्म के पेट में छेद हो जाते हैं और वो मर जाता है। वेरी गुड बेटा मनन, तनिष्का, जशन, डॉक्टर मेघा, स्वाति, बीएसटी, कौशल, सुनिधि, उज्मा, हाई फाइव बेटा, खुशी, ग्रेट जॉब बेटा। नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, बहुत ही देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, व्हिच इज द आंसर फॉर दिस। परफेक्ट गाइस, ये तो बहुत ही इजी था, वाओ 94% बच्चों ने इंसुलिन, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीन ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स, अरे यार बहुत इजी है, बीटी ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज और कॉटन। एग्जैक्टली गाइज, द आंसर इज कॉटन, है ना, कॉटन, बीटी कॉटन ही अलाउड है इंडिया में, बाकी चीजें अलाउड नहीं है। वेरी गुड, 15th क्वेश्चन, टोबैको प्लांट्स रेसिस्टेंट टू नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, अ पर्टिकुलर हॉर्मोन, an antifidant, a toxic protein. कैसे हम बचाते हैं टोबैको प्लांट को फ्रॉम, यस गाइस, द पेस्ट दैट इज नेमाटोड मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशा। एग्जैक्टली गाइस, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बनाता है। देखो होता क्या है, हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है ना, उसका डीएनए हम हमारे इसमें डाल देते हैं प्लांट में, तो मेलाइडोगाइने जब इनकॉग्निशिस को खाता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने के लिए जो एमआरएनए होता है उसको साइलेंस कर देते हैं, समझो ध्यान से। तो हमारा ये प्लांट है ना, टोबैको प्लांट है, इसके अंदर हमने डीएनए डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारे मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशन इसको खाया तो ये डीएनए इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाके वो सेंस और एंटी सेंस बनाता है जो कि एक इंपॉर्टेंट आरएनए को साइलेंस कर देता है, जिसकी वजह से मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बन पाता और वो मर जाता है। गाइस ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने पढ़ाया, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, है ना। क्रिएटिव बेटा, तनिष्का, जशन, स्वाति, डॉक्टर मेघा, सुनिधि,
मानान उज्मा हाई फाई बेटा मोयुक अदिति सुनिधि ग्रेट जॉब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच अरे यार किसी ने आंसर नहीं करा था क्या अरे यार अबे क्वेश्चन कहाँ चला गया यस तो बेटा एक्चुअली होता क्या जो सैटेलाइट डीएनए होते ना दे आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ठीक है बट आई एम रियली सॉरी वो थोड़ा आगे चला गया था आई एम रियली सॉरी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं है ना जो सैटेलाइट डीएनए होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है आइडेंटिफाइंग ह्यूमन बेस्ड ऑन द डीएनए वो बेसिकली सैटेलाइट डीएनए के बेसिस पे होता है ठीक है इसको याद कर लेना ध्यान से देख लेना इसको है ना एंड यस इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है प्लीज गो एंड वॉच द चैप्टर नेक्स्ट वन 17th क्वेश्चन बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लीकेशन एंड दोज ऑफ यू हु आर न्यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलिटस चिकन पॉक्स रिमोथॉइड आर्थराइटिस और एडेनोसिन डीएमिनेज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग वॉट कम ऑन गाइस एग्जैक्टली गाइस एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट यस गाइस जीन थेरेपी वॉज डन वेरी गुड ग्रेट है बेटा तनिष्का जशन स्वाति मनन आदिति सुनिधि मोयुक डॉक्टर मेघा सुनिधि बेस्ट कॉलेज ग्रेट है बेटा नेक्स्ट वन Silencing of mRNA has been used in producing transgenic plants resistant to bollworms, nematodes, white rust or bacterial blights. Silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistant to bollworm, nematodes, white rust and bacterial blight. Melitogyne incognita kya tha? उसमें हमने साइलेंसिंग यूज करी थी बेटा एग्जैक्टली इट वॉज अ नेमाटोड परफेक्ट वेरी गुड गाइज मेंस 2011 में आया था ये सवाल कैन यू सी द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन द सेम लाइंस 19th क्वेश्चन द ट्रांसजेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंट एनहांसिंग सेल्फ लाइफ एनहांसिंग मिनरल कंटेंट ड्रॉट रेसिस्टेंट The genetically modified brinjal in India has been developed for insect resistance, enhancing shelf life, enhancing mineral content and drought resistance. Come on. Exactly guys. It is for insect resistance. BT. ठीक है BT brinjal था है ना वो बॉलवर्म को उसकी वैरायटी को कंट्रोल करने के लिए था वेरी गुड बेटा तनिष्का जशन स्वाति तनिष्का सुनिधि मनन अदिति डॉक्टर मेघा सुनिधि दिव्य एंड मोयुक गाइस बिफोर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन लेट मी क्विकली एक्सप्लेन एंड अबाउट वेदांतु क्रैश कोर्स जो भी बच्चे 2021 में एग्जाम देने वाले हैं देयर इज अ क्रैश कोर्स गोइंग ऑन फॉर वेदांतु यस गाइस ये आपको वीडियो दिख रही है इसको स्किप करो यहाँ पे इफ यू कैन सी अ वीडियो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल व्हेन यू कम डाउन गाइस यू विल सी
अवेल वेदांतु नीट क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन. इस पर क्लिक करोगे बेटा, यू वुड सी एक बैच जो स्टार्ट हुआ है 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 4 सितंबर तक चलेगा. जिन भी बच्चों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रही है, दे नीड सम हेल्प, तो बेटा दिस इज द कोर्स फॉर यू. इसमें पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th विल बी कवर्ड इन 60 सेशंस. अलॉन्ग विद दैट आपको क्या होगा गाइस, 20 नीट की टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जिसमें 20 टेस्ट होंगे. उसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. जब आपको डाउट आता है, फोटो खींचो डालो, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स. देन बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया विल बी हेल्पिंग यू टू फॉर्मुलाइज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एग्जाम में किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ठीक है. द होल पॉइंट इज, अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपको हेल्प चाहिए, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू. 2021 के बच्चों के लिए है बेटा. देखो लास्ट मोमेंट है, आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट, है ना. मतलब डोंट प्ले, डोंट टेक चांस आई वुड से, कि एक और साल आपको रुकना पड़ जाए. क्लिक ऑन दिस, कंटिन्यू करो यहाँ पे, एंड यू वुड सी इट इज गोना कॉस्ट यू 4,500 रुपीज, है ना. आई गेस दिस इज अ गुड प्राइस, है ना. एंड यू कैन डेफिनेटली, इट इज नथिंग कंपेयर टू द थिंग्स विच यू आर गोना फील व्हेन यू गेट इनटू अ कॉलेज. ओके, यस, यू कैन यूज ईएमआई एंड एवरीथिंग, दीज आर द पेमेंट ऑप्शंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज ऑफ यू हु आर इन क्लास 11th और 12th, यू कैन गो फॉर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, है ना बेटा. हियर यू विल हैव टू use the code ARAPRO to get extra 10% off. इसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं बेटा, है ना. एक तो CBSE का बैच होता है, पहली बात तो, और एक नीट का बैच होता है. CBSE में वी टीच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और जो नीट का बैच होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है. और क्या होता है बेटा, इसमें 3 वर्जन होते हैं, एक लाइट, क्लासिक और प्लस. तीनों में सब में लाइव क्लासेस होती हैं, आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, है ना. बस फर्क क्या होता है, लाइट में आप इन द क्लास डाउट पूछ सकते हो जितने मर्जी, ठीक है. आपको डाउट आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपकी क्लास होगी तो कितने भी डाउट पूछ सकते हो. क्लासिक में आपको एक डाउट ऐप मिलता है, जिसमें आप कभी भी, आपको डाउट आया उसकी फोटो खींची ऐप पे डाली, इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है. प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं, कोई डाउट आया फोन पे बात कर लो टीचर से, 1-on-1 क्लास कर लो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है. तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी ऑफ दीज. मुझे लगता था लोग या तो क्लासिक लेंगे या फिर लाइट लेंगे, बट मेरे रिलेटिव ने ही खुद प्लस ले लिया. मैंने कहा क्यों भैया, कहते हैं हमें ना चाहिए कि कोई एक पर्सनल टीचर हमेशा रहे हमारे बच्चे के साथ. तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू कैन चूज योर रिक्वायरमेंट, है ना बेटा. एंड यस, जब आप एक साल का परचेज कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर अ 1 मंथ. 1 ईयर में क्या होता है, यू गेट वेदांतु बुक्स, आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिलता है, जिसमें अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो वी विल रिटर्न द फीस बैक, ठीक है. एंड यस, इन केस ऑफ कंप्लीट कोर्स आल्सो यू कैन ऑफर एन ईएमआई. देख लो 2340 का होगा, हियर इट विल 2550 पर मंथ, तो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो आई वुड से गो फॉर दिस इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि बुक्स भी मिल जाएंगे आपको, सब मिल जाएगा, है ना. बच्चे पूछे थे रेफरेंस मटेरियल कौन सा यूज करें, रेफरेंस बेटा वेदांतु की जो तत्वा बुक्स है, हम उनको तत्वा बुलाते हैं, तो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. And yes, you can use the code ARAPRO to get extra 10% off, and you can use any of the payment methods. ठीक है, same goes for class 12th also. बच्चों यहाँ पे जाके आप change कर सकते हो class 11th, 12th जो भी है. If you take a 2 years course, it will be more beneficial, क्योंकि आपको वो सस्ता पड़ता है, ठीक है. 2 years course is gonna cost you 42,000 और 1 year का 30,000, तो 18,000 रुपये कम हो जाता है, ठीक है. तो you can check, जो भी आपको लगता है you can definitely opt for it. Here it is, the last question करते हैं भाई. Yes. Some of the characteristics of BT cotton are long fiber and resistance to aphid, medium yield, long fiber and resistance to beetle pest, high yield and production of toxic protein crystals which kill dipterans pest, high yield and resistance to bollworm. बहुत ही easy question है गाइस ये तो.
ग्रेट जॉब गाइज. एग्जैक्टली द आंसर इज डी. इट इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉलवर्म वगैरह. है ना, हाई यील्ड रेसिस्टेंस टू बॉलवर्म. ये बॉलवर्म से प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से हाई यील्ड होती है. यील्ड मतलब ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होता है. ग्रेट जॉब बेटा जशन स्वाति. आई गेस जशन जीत गए. ग्रेट जॉब गाइज, क्लैप्स फॉर जशन, वेल डन बेटा. एफिड बेटा एक टाइप ऑफ कीड़े होते हैं. एफिड आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, है ना. तो ग्रेट ग्रेट जॉब बेटा. नेक्स्ट चैप्टर फॉर सैटरडे बेटा, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी डूइंग एनवायरमेंट एकोलॉजी से करेंगे. तो लेट्स, आई विल अपडेट यू पीपल. है ना, ग्रेट जॉब बेटा जशन, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्लैप्स फॉर जशन गाइज एवरीवन. है ना, एंड गाइज यू गाइज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट, ट्रस्ट मी ऑन दिस. डूइंग 20 क्वेश्चंस, है ना, अटेंडिंग क्लास 11, अटेंडिंग क्लास 12, रिवाइजिंग 10 क्वेश्चंस एवरी डे. दिस इज जस्ट मीन्स की वी आर टेकिंग अ स्टेप एवरी डे. ठीक है, वी आर टेकिंग अ स्टेप. नहीं, वी टेक टू 20 स्टेप्स टुडे. है ना बेटा, तो द प्रोसेस डज नॉट एंड ओवर हियर. घर जाके देखो जो जो कॉन्सेप्ट आपको चमका और जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उसको दोबारा जाके रिवाइज करो. समझ लो, इससे क्या होगा, इट विल गो डीपर इन टू योर ब्रेन. देर विल बी सम टॉपिक्स जो आपको लगा होगा कि अरे यार ये मेरे को नहीं आया था, मतलब उसको पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे, तो उसको जाके दोबारा पढ़ लेना. दैट इज हाउ द सर्कल ऑफ लर्निंग गेट्स कंप्लीटेड. ठीक है, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल गाइज. कीप स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ लव. आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लव यू, बाय. एंड टुमारो 1 PM आ जाना, 1 PM फिर से मिलते हैं. एंड लेट्स रॉक.